हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल अवेयरनेस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके डेली लाइफ के लिए भी जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पेपर के लिए जनरल अवेयरनेस रखें, आप अपने नॉलेज के लिए भी इस यहाँ से नॉलेज कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला सेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो इस सेशन में आप जो है अंत तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय IOC। ठीक है, कौन सी कंट्री को सस्पेंड किया गया है? ए ऑप्शन में है नॉर्थ कोरिया, बी में है पाकिस्तान, सी में है अफगानिस्तान, डी में है सीरिया और ई में है साउथ कोरिया। तो बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि कौन सी वो कंट्री है। चलो, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये है आपकी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को है जो अभी फॉर्मली सस्पेंड किया गया है 2022 विंटर ओलंपिक से। ठीक है, तो इनको एज अ पनिशमेंट जो है वो मिली है, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है कि टोक्यो में गेम्स हुए थे तो पर इन्होंने COVID-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो है वो उन्होंने अपनी टीमें नहीं भेजी थी, ये वाला वो देख के कि हम नहीं भेजेंगे, तो इस चक्कर में क्या किया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर मैंने इनके डिक्टेटर की जो तानाशाह है, आपको पता ही है कितने ख़राब है ये तो इनकी मैंने इमेज लगा के रखी है। ठीक है, सब बोलते हैं, इंटरनेट से पता चलता है, होता तो है नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती है, तो वहाँ पर यही बोलते हैं कि तानाशाह है। ठीक है, बोलते क्या ये है भी है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है दोस्तों, अब स्काई से भी आपको मेडिसिन मिलेगी स्काई के थ्रू। ठीक है, टू यूज ड्रोन फॉर डिलीवरी ड्रग्स एंड वैक्सीन। ऐसे मत सोचना कि हाँ पता नहीं स्काई से कैसे मिलेंगे, ड्रोन्स भी लिखा है वहाँ पर। ठीक है, तो ए है तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल, डी है कर्नाटक, ई है तेलंगाना। ठीक है, तो दोस्तों हम फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। ये है आपका ऑप्शन ई, दैट इज तेलंगाना। आपको पता है कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, और कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो मैंने दोस्तों आपके लिए इमेज भी लगा दी है। देखिए आपका ड्रोन जो है वो आपका कैसे इस मेडिसिन बॉक्स को लेके जा रहा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु हैज़ बीन अवार्डेड द अफ्रीका फूड प्राइज 2021। ऑप्शन ए में ICRISAT, बी में ICAR, सी में FAO, डी में IRAI और ई में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन ए, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो आपका अफ्रीका फूड प्राइज 2021 दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका एक रिसर्च सेंटर है, एक नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए जो होती है फूड से रिलेटेड, उसमें क्या करती है, ये काम करती है, रिसर्च करती है और डेवलपमेंट का काम ये देखती है। ठीक है, इसके लिए इसको क्या मिला है, ये वाला प्राइज मिला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो फूड सिक्योरिटी को क्या किया है, इम्प्रूव किया है अक्रॉस 13 कंट्री ऑफ सब सहारा अफ्रीका। ठीक है, तो इसलिए इनको ये वाला प्राइज मिला है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर फोर पे कहता है, द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन सितंबर 21। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ए है यूनाइटेड स्टेट, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है इंडिया, ई है इटली। तो बताइए कहाँ पर ये होने वाली है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी होने वाली है, दैट इज़ ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसको अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, और आपके जो क्वाड की फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, कहाँ होने वाली है, व्हाइट हाउस में होने वाली है, और वो कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन DC में है, और कब होने वाली है, September 24 को। ठीक है, क्वाड नेशन में आपको पता है इंडिया है, जापान है, US है एंड ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स, क्वाड में आपके रशिया और चाइना नहीं है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज को जो है वो क्वाड से
थोड़ी बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। तो और अभी पिछले कुछ सालों में ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था ये वाला जो आपका क्वाड का बना हुआ है एक, आपको पता है। तो अभी जो है, अभी ये वाले जो है बहुत एक्टिवली जो है वो मीटिंग हो रही है यहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि चाइना जो है वो मान नहीं रहा है, आपको पता है, किसी भी एंगल से। तो उसको मतलब थोड़ा प्रेशर उसके ऊपर डालने के लिए ऐसी मीटिंगें होने लाजमी हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग दीज डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एवरी ईयर? ए ऑप्शन 11, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका, ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, दैट इज ऑप्शन ई। ये 2008 से हम इस डे को क्या कर रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? ए अलीगढ़, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी आगरा, ई कानपुर। कहाँ पर? ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन क्या मतलब, ये बात रही है न्यूज़पेपर में कवर की गई है। तो ये है आपका दोस्तों, कहाँ खोला गया है, अलीगढ़ में। यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जो है इसका रखा गया है, और क्या बोलते हैं, ये अलीगढ़ आपका वहाँ उत्तर प्रदेश में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो अभी आगे आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। वैसे योगी आदित्यनाथ जी ने काम तो किया है, उन्होंने वहाँ पर जो इतना गुंडा राज चलता था उसको कम किया है, काम तो अच्छे अच्छे किए हैं, बट लेट्स सी जनता किसको चुनती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ब्रेंडन टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? किस कंट्री के लिए खेलते हैं, थे यू आप तो, ठीक है। तो आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। तो दोस्तों ये खेलते थे आपके जिम्बाब्वे के लिए, ठीक है। ये अच्छे, आपको पता है, विकेट कीपर्स, कीपर और बैट्समैन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। तो आप भूलिएगा मत ब्रेंडन मैकलम, यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए लगा के रखी है, ताकि आप इस क्वेश्चन को ना भूलें जब भी पेपर में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आनंद कुमार कंफर्ड विद स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अनंत कुमार जो है वो, सबसे पहले मैं इमेज दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर 30 स्टूडेंट्स हैं, इनको पकड़ के रखा है। आपको पता है ये 30 स्टूडेंट्स को जो होते हैं अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पैसे नहीं दे सकते, और उनमें काबिलियत तो होती है, बट आपको पता है कि आप वो इतने फीस नहीं वहाँ पर पे कर सकते, ठीक है। तो उस वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं और IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। अनंत कुमार जी जो हैं वो एक मैथमेटिशियन है, और ये कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं, एजुकेशन की फील्ड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ वॉन द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021 फॉर सर्विस अमिड COVID-19, ठीक है। किसको मिला है, भानुमति घीवाला, अस्वथी कुमार, क्लारा बार्टन, सिमी सुरेश, भाग्य लक्ष्मी राव? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला है आपका भानुमति घी वाला को, और मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी लगा के रखी है। ये बिलोंग करती हैं आपके गुजरात से फ्रेंड्स, इन्होंने जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी हैं आपके पेंडेमिक के टाइम में, ठीक है, इसीलिए इनको जो है वो इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज़ डिक्लेयर टू इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर डिफेंस डायलॉग विद विच ऑफ दीज रीजन्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द बाइनियर डेफ एक्सपो मिलिट्री एग्जीबिशन, ठीक है। तो बताइए कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि वो रेगुलर डिफेंस जो है वो डायलॉग करेगा, कौन सी इन जो मेंशन किए गए ऑप्शन में रीजन्स, इनमें से तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका कौन से हैं? तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, ये है आपके अफ्रीका, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि हम अफ्रीका के साथ जो है वो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो होंगे वो रेगुलर इवेंट पे होंगे, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट हुआ था, आपको पता है द फर्स्ट इंडियन
अफ्रीकन जो डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव हुई थी वो हुई थी आपकी फ़रवरी 2020 में, और वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अभी अभी आपका पता करंट में आई है ये चीज़, तो ये वाली आपसे पूछी जा सकती है, तो लखनऊ आप याद रखना, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द कैंपेन टाइटल शून्य हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ए नीति आयोग, बी इंडियन आर्मी, सी इसरो, डी IIT मद्रास, और ई DRDO। तो किसने किया है ये शून्य लॉन्च आपका कैंपेन? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है आपके नीति आयोग ने, ठीक है? और ये आपके किस और इसके साथ साथ कौन कौन सी कोलैबोरेशन में है आपकी? तो ये है आपके कोलैबोरेशन के साथ US बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड RMI इंडिया, ठीक है? इन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इनका मानना है कि हम प्रमोट करेंगे जीरो कार्बन, इनका जो आपको पता है कि जो व्हीकल से निकलता है कितना ज़्यादा, जो भी इंडस्ट्रीज वो करती है आपको एमिट करती है इसको, तो इनका मानना है कि हम शून्य तक जो होंगे वो पहुंचेंगे, और हम ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगे कि जिससे जो हो कि आपका कार्बन एमिशन जो है वो कम हो, ठीक है? तो चलते हैं हम यहाँ पर, नीति आयोग का मैंने लगा के रखा है आपके लिए सिंबल, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज़ फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट विच एक्सर्ट CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस गैस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ए ONGC, बी भेल, सी में फिर से ONGC आ गया, सॉरी गाइस, डी में है लार्सन एंड ट्यूब्रो, और फिर ई में है टाटा स्टील, ठीक है? तो आप सी वाला ONGC काट के नन ऑफ दीज यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए, ठीक है? तो ये है आपके दोस्तों टाटा स्टील, यहाँ पर मैंने इनके लिए आपको इमेज भी मेंशन कर दी है, ठीक है, कि ताकि आपको एकदम से याद आ जाए उस टाइम पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आपको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना डर्टी हो गया है, तो उसकी क्लीनअप के लिए भी आपको होता है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जिससे उसका जो है एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अमाउंट कम हो, तो ऐसे से सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये जमशेदपुर में यहाँ पर उन्होंने इसको लगाया गया है, ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट स्टील कंपनी जो है टाटा स्टील ये बन चुकी है। आपको पता है कि टाटा ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह पे आपको पता है चैरिटी देता है जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ऐसे अनप्रिविलेज बच्चों को या फैमिलीज को वो उनको सर्व करता है, ठीक है? चाहे वो पैसे देता है, चाहे वो कोई भी सर्विसेज देता है, तो ये वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है टाटा ग्रुप की, तो इस चीज़ को हम सब अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाटा की चीज़ें खरीदा करो, ठीक है? मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्स एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021, विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी रशिया, डी इंडिया, EU SA। बताइए कौन सी है होस्टिंग जो इसमें कंट्री है एक्सरसाइज की, और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है आपकी कौन सी है, दैट इज ऑप्शन सी रशिया, ठीक है? तो अब ऑब्वियस ही बात है, पीसफुल मिशन 2021 है, तो मतलब किसको काउंटर करना है? टेररिज्म को काउंटर करना है, ठीक है? तो आपको पता है कि अब टेररिज्म जो है वो भी बढ़ ही रहा है, ठीक है? टेररिज्म कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है डे बाय डे। तो आपको पता है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी हमें कुछ कुछ तरीके जो होते हैं वो सोचने पड़ते हैं, और ऐसी ऐसी एक्सरसाइजें करनी पड़ती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कहाँ पर है इस बार होस्ट कंट्री है जो आपकी है रशिया, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग? ए इंडिया, बी जापान, सी चाइना, डी सिंगापुर। कौन सी कंट्री है? तो अगर आप इसका आंसर सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये है आपकी चाइना। देखो आप मान चाइना मान ही नहीं रहा है, तो क्या बोल रहा है चाइना कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया है फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के लिए, ठीक है? जो आपकी इसमें कंपनीज हैं टोटल CPTPP में, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई है, टोटल कंट्रीज जो हैं वो 11 हैं, और कंट्री जो है आपकी वो है ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम, ठीक है? तो आप याद रखिएगा।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, ताकि आप जो है वो अपने नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पहले मैं इस चीज़ को वर्बली बोलती थी, बट अब मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्बली आप कितना कर लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने इमेज में लगा के रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? टाइम मैगजीन हैज़ अनवील्ड इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज इंक्लूड इन द लिस्ट? दोस्तों इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा जी, सी एम एस धोनी, डी ममता बनर्जी, ई सोनू सूद। तो दोस्तों आंसर से वो इमेज से तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पे मत जाइएगा आपकी, हाँ भाई आप बोल देंगे कि मुकेश अंबानी बहुत पैसे कमा रहे हैं तो वही होंगे, नहीं, वो इस बार जो है ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी जी और अदर पुनेवाला जी जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो है इन्होंने बहुत बड़ा बहुमत मिला है इनकी पार्टी को, ठीक है। तो अब तृणमूल कांग्रेस की लीडर, आपको पता है कि ये है, लीड करती है उस पार्टी को, तो सबको लगता था कि मतलब बीजेपी जीतेगी, बट दोस्तों यहाँ पर फिर से लोगों ने अपना भरोसा जो वो टीएमसी पे दिखाया, तो एक बड़ा सेटबैक। सेटबैक क्या मतलब, बीजेपी ने वहाँ पर सीट्स में इंक्रीज तो किया था बट उम्मीद से ज़्यादा की थी, पर चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अभी इनको भी फिर से इलेक्शन लड़ना है, भवानीपुर की सीट से खड़ी हुई हैं और आजकल हर जगह जा रही हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आपका मुस्लिम से रिलेटेड हो, किसी भी टाइम में ये जा रही हैं हर जगह पर। तो देखते हैं कि क्या इनके लिए आता है नेक्स्ट, जो भी इनका इलेक्शन होगा ये उसमें जीतती हैं कि नहीं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डेवलप रियूजेबल GSLV-Mk3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ए है SpaceX, बी है इसरो, सी है वर्जिन गैलेक्टिक और डी है रॉस कॉस्मॉस, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वो है इसरो। अपनी आपको पता है कि इसरो हमारा आए दिन कितने कमाल कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करेगी इसरो को अपने GSLV जो आपका MK3 है उसको वर्टिकली लैंड कराने में, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिमिलर है आपकी SpaceX की, ठीक है, की तरह जो जिन्होंने वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने जो है जो आपका इसरो है, इसने देखो यहाँ पर डेवलप किया है रियूजेबल, ठीक है। रियूजेबल मतलब इसने बहुत अच्छा काम किया है, रियूज करके जो है वो इसको बनाया है, ठीक है। तो आप भूलिएगा मत कि ये इसरो है, ठीक है, रियूजेबल GSLV-Mk3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसरो का भी मैंने लगाया है, ठीक है। KSIVAN जी आपको पता है कि इसके हेड हैं आजकल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियाज 61 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ओपन इन, कहाँ पर ओपन अप हो रहा है, वो ओपन किया गया है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला ओपन किया गया है आपका नागालैंड में, ठीक है। तो ये वाला जो है वो मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया का, वो आपका जनरली कोहिमा में है, ठीक है। एज तो स्टेट जो पूछी जाएगी वो नागालैंड, और उसकी कैपिटल जो है वो आपकी कोहिमा में है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि बात की गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस पार्क जो है टेक्नोलॉजी पार्क को जो है वो लॉन्च करके, ओपन अप करके जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या करती है इस रीजन में खोल दी है, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका लॉन्चिंग सेरेमनी, यहाँ पर ओपन सेरेमनी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द 2021 मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वॉज हेल्ड इन विच प्लेस? दुशांबे, बिश्केक, अशगाबाद, बेरूत या काबुल, कहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस सेशन जो मैंने आप जनरल अवेयरनेस के आपको प्रोवाइड कराए हैं उसमें भी बात की थी, ठीक है। तो ये आपकी होने वाली है दुशांबे में, ठीक है,
दुशांबे तजिकिस्तान, ठीक है। और जो और किसके अंडर, मतलब जो चेयरमैनशिप किसके अंडर है इस बार, वो है आपके जो प्रेसिडेंट हैं तजिकिस्तान के, दैट इज एमोमली रहमोन, उनके अंडर में इसकी क्या है चेयरमैनशिप है इस बार, ठीक है। तो याद रखना कि ये 21वीं मीटिंग है आपकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये अटेंड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सूर्य किरण 15 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद विच कंट्री। सूर्य किरण ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, चाइना। किसके साथ होती है? ये नेपाल के साथ होती है हमारी सूर्य किरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज में मेंशन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स? अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, अनिता देसाई, चेतन भगत, झुंपा लहरी। तो दोस्तों ये वाली बुक जो है वो लिखी है आपके झुंपा लहरी जी ने, ठीक है। ये पुलित्जर प्राइज विनिंग नोटेड फिक्शन राइटर झुंपा लहरी है, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और इन्होंने अपने बुक को क्या किया है, इसमें हाईलाइट किया है और उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो चलते हैं, एज अ ट्रांसलेटर इन्होंने अपने क्या किया है, एज अ ट्रांसलेटर इन्होंने इसमें, तभी तो इन्होंने लिखा है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 इन विच स्टेट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मेघालय, बिहार। तो बताइए, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बुद्धिस्ट की काउंसिल जो जो पिछली हुई है आपकी हिस्ट्री में, वो भी आपसे कितनी बार पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ होने वाली है आपकी, ये होने वाली है आपकी बिहार में, ठीक है। और कहाँ पर, ये नवा नालंदा महावीरा कैंपस, ठीक है, इन नालंदा बिहार। याद रखिएगा, ये नवंबर 20, 2021 को होने वाली है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, ICCR टू होल्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर, ठीक है। द AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है आपके IIT बॉम्बे ने, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो एक तरह से आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है, जितने भी आपके लैंग्वेज बैरियर होते हैं एजुकेशन में उसको ओवरकम करने के लिए है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें तेलुगु में कोई बोल देगा तो हमें समझ नहीं आएगा, बट अगर ट्रांसलेटर होगा तो हम उसको तुरंत ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी में और हमें तुरंत समझ आ जाएगा। आप चाहे हिंदी जानते हो चाहे इंग्लिश जानते हो, तो उसमें हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, इक्विनॉक्स सूट ऑफ सॉल्यूशन इज लॉन्च बाय TCS, इंफोसिस, गूगल, एप्पल, सिग्मा टेक। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आपके इंफोसिस के द्वारा, इक्विनॉक्स सूट, ठीक है। तो आप इसको, इसके बारे में सोच, अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इन्फोसिस लिख देना। जनरली ये जो है वो आपके जो ई कॉमर्स होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इक्विनॉक्स यहाँ पर देखो मैंने इन्फोसिस का भी लगा दिया है आपके लिए, ठीक है। बेचारे इन्फोसिस को आपको पता है कि जो आपका ITR जिसमें आप भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उसका पोर्टल जो है वो आपका इन्फोसिस देख रहा है, बट वो अभी तक उसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनको 15 सितंबर लास्ट डेट दी गई थी, बट स्टिल जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वहाँ पर बेचारों को बड़ी गवर्नमेंट से सुनने को मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च डैश विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान टीवी, भारत टीवी, नेशन टीवी, पार्लियामेंट टीवी, संसद टीवी। देखो आप पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो आपके लिए क्वेश्चन था, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर जो है वो संसद टीवी है, ठीक है।
तो इसको लॉन्च किया है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। साथ में आपको वेंकैया नायडू जी दिख रहे होंगे, अपने वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और साथ में है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, तो तीनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ओम बिरला जी का ही चेहरा दिख रहा है, बाकी ने तो मास्क लगा के रखा है। तो आप याद रखिए संसद टीवी का शुभारंभ, ठीक है, तो 15 सितंबर को उन्होंने किया है नई दिल्ली से, तो इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 27, द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी चीफ्स कंक्लेव ऑर्गेनाइज्ड एट मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून, पुणे, बेंगलुरु। तो दोस्तों ये कहाँ हो रही है? आपकी न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है, आर्मी चीफ कंक्लेव, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 16 से 18 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज की जा रही है, और जो चीफ होते हैं आपके आर्मी स्टाफ के, जो इंडियन आर्मी के, वो गैदर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली अनाउंस दैट इट वुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग कार इन इंडिया, बताइए। फिएट, किया, टोयोटा, फोर्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, कौन सी है जिन्होंने अभी अपनी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है? तो दोस्तों ये है आपकी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी जो है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंडिया में कार नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका सेमीकंडक्टर के शॉर्टफॉल से जूझ रही थी, और अदर कंपोनेंट्स जो इनकी गाड़ी में लगते हैं उसकी सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, जो चाहिए होते हैं, तो उस वजह से इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ बंद ही कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्ड का लोगो भी आपको लगा दिया है। दोस्तों अगर ये आपके लिए सेशन सच में ही हेल्पफुल रहा हो और आपने आज के सेशन से कुछ सीखा हो, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए बहुत ही अच्छा जनरल अवेयरनेस का, इससे भी बेटर तरीके से सेशन बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा एज अ एप्रिशिएशन कि चलो मेरी मेहनत का एप्रिशिएशन मुझे मेरे व्यूअर्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और गेट इट क्लियर के साथ बने रहिए, ठीक है। हैव अ वेरी वेरी गुड डे फ्रेंड्स।